बायतू से रवाना होकर वाहन रैली वीर तेजा जाट जन्मस्थली खरनाल के दर्शन कर क्षेत्र एवं प्रदेश में अमन चैन की कामना की। टीम हनुमान बेनीवाल बायतू के कार्यकर्ता ओम प्रकाश काकड़ ने बताया कि वाहन रैली बायतू से रवाना होकर जोधपुर होते हुए रात्रि विश्राम रामधाम खेड़ापा में किया। वहीं सुबह खेड़ापा से रवाना होकर जत्थे के रूप में खरनाल नागौर में गोभक्त तेजा जी महाराज के दर्शन किए। रैली के खरनाल पहुंचते ही खीवसर के निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष नारायण जी बेनीवाल एवं वीर तेजा जी महाराज मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुखराम खुड़खुड़िया ने रैली का स्वागत किया। रैली को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि युवा नशे की लत से दूर रहे एवं समाज हित के कार्यों पर तत्पर रहे, तेजा जी के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। वहीं सुखराम खुड़खुड़िया ने युवाओं को कहा कि मंदिर निर्माण में सहयोग करने और तेजा जी जैसे शूरवीर ने इस धरती पर अवतार लिया और लाचा गुजरी की गायों के लिए अपने प्राणों की हंसते हंसते आहुति दी, ऐसे महान वीर पुरुष को मैं नमन करता हूं। इस रैली का जगह जगह पर बेनीवाल समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। टीम के सदस्य ओम प्रकाश काकड़ रैली में चलने वाले युवाओं का आभार व्यक्त किया। कहने को बहुत सी बातें हैं, बाड़मेर की रैली में भी आप सब लगभग युवाओं से मेरा हाई हेलो जरूर किसी न किसी रूप में हुआ था और बड़ा सहयोग आप लोगों का रहा। इतना बड़ा कार्यक्रम जो वहाँ आयोजित किया आपने लाखों का, उसमें आप लोगों की जो सक्रिय भूमिका जो थी, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं बाड़मेर के युवाओं की हमेशा तारीफ करता हूँ कि आपने बहुत ही अनुशासित तरीके से, मैं देखता हूँ 1000-2000 लोग भी जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ भी कोई ना कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा तो मैं जरूर हो जाती है। बाकी आपने लाखों लोगों को इकट्ठा करके भी वहाँ, और ये एक मैसेज पूरे राजस्थान ने पूरे देश को दिया कि हम अनुशासित तरीके से हम किसी भी कार्य को बहुत सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं। अभी पिछले दिन आपने देखा तेजा जी का बहुत बड़ा लाखों का मेला जो यहाँ भरा और इतना शांतिपूर्वक और अनुशासित तरीके से जो हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सुबह 9 बजे से लेके और 6 बजे तक जो कार्यक्रम चला, लाखों लोगों ने शिरकत की, उसने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर, ये आज आप देख रहे हो इंटरनेट और इन सब के माध्यम से लाखों लोग नजरें गड़ाए। हमारे जो भी भाई बंधु बाहर बैठे हैं देश विदेश में, वो जरूर ऐसे पर्वों पे ये अपेक्षा रखते हैं हमसे कि चाहे लाइव टेलीकास्ट हो या यूट्यूब चैनल हो, जिस किसी भी माध्यम से उनको देखने का मौका मिलता है वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि बहुत बड़ा कार्यक्रम और अनुशासित तरीके से कार्यक्रम को आयोजन करेंगे, क्योंकि इसमें मैं खरनाल विशेषकर शुक्राम जी जो हमारे संस्थान के अध्यक्ष भी हैं और जितनी भी टीम और आसपास से जो खरनाल गांव के जो वॉलंटियर्स जो थे, आप उस दिन देखते कि मियां मेले के अंदर सैकड़ों नौजवान खरनाल और आसपास के जिन्होंने रात दिन एक करके और इस मेले का सफल आयोजन को संपन्न कराया। मैं इस तेजा जी के पावन धरा पे उनको हृदय के अंतर्तन से धन्यवाद देता हूँ, अंजाम दिया। मैं आप सब लोग यहाँ पधारे एक बार पुनः आपको कोटि से धन्यवाद और परमपिता पद्मेश्वर जो तेजा जी महाराज से अपेक्षा ये कामना करता हूँ कि आप सब लोगों का उज्ज्वल हो और हमारे लाइफ कोई भी कार्य हो, साथियों गांव में छोटी मोटी चीजें, क्योंकि ये हमारी जेनेटिक्स है,